यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सियाराम। मेरे श्रोता भाई बहन, उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और वर्तमान परिस्थिति को लेकर केयरफुल भी होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने उन जातकों के बारे में रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की जिनका जन्म सोमवार को हुआ है, आज हम उन जातकों के बारे में महत्वपूर्ण, रोचक एवं आवश्यक जानकारी देंगे जिनका जन्म मंगलवार यानी भौमवार यानी ट्यूसडे को हुआ है। सोमवार को जन्मे जातक के लिए आप पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु हमें प्रभावित करती है, चाहे अच्छा या बुरा। हमारे सामने किसी वस्तु का रंग काला हो तो उसका अलग प्रभाव होता है और उसी वस्तु का रंग बदल करके पीला कर दिया जाए तो उसकी अलग अनुभूति होती है। हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जिस मौसम, ऋतु, महीने, दिन, समय में हमारा जन्म हुआ है उसका प्रभाव पूरे जीवन भर हमारे ऊपर होता है, यह वैज्ञानिक रूप से सत्य है। जिस तिथि, जिस तारीख को हम पैदा हुए हों उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर रहता है और पूरे जीवन भर रहता है। तारीखों का प्रभाव क्या होता है, यानी जिस तारीख में हम पैदा होते हैं उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर होता है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आप हमारे चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, एकदम शांत, कोई बातचीत ना कर रहा हो और आप भी उसके सामने बैठ करके शांत हो, कोई भी वार्तालाप ना हो रहा हो, कुछ समय के बाद आपके मन की तरंगे प्रभावित होने लगेंगी। ये अलग बात है कि उस व्यक्ति से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है या नकारात्मक, यानी वो व्यक्ति आपको आकर्षित कर रहा है, शांत चित्त आपको बना रहा है, या ऐसा लग रहा है वो व्यक्ति जल्दी से चला जाए। इसका मतलब है कि मात्र बैठने से ही उस व्यक्ति का प्रभाव हमारे ऊपर होने लगता है। अतः हम जिस दिन, जिस वार को पैदा होते हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे ऊपर होगा और पूरे जीवन भर। वो चाहे हमारा स्वभाव हो, हमारा स्वास्थ्य हो, विद्या हो, गुण अवगुण हो, संपूर्ण व्यक्तित्व, रुचि अरुचि हो, यहाँ तक कि हमारा व्यवसाय भी हमारे जन्मे वाले दिन से निर्धारित एवं प्रभावित होता है। मेरे श्रोता भाई बहन, यदि आपका या आपके अपनों का जन्म मंगलवार को हुआ है तो ऐसे जातक कैसे होंगे, उसकी जानकारी हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मित्रों, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि जितने भी व्यक्ति मंगलवार को हुए हैं, क्या उन सबका स्वभाव, गुण अवगुण, शिक्षा, स्वास्थ्य एक जैसा होगा? क्योंकि करोड़ों लोग मंगलवार को पैदा हुए हैं, तो क्या सब पे एक जैसा प्रभाव होगा या कम ज़्यादा होगा? इसके विस्तार से हम चर्चा करेंगे आगे चल के, लेकिन इतना हम आपको बता दें कि हर व्यक्ति पे समान प्रभाव नहीं पड़ता, किसी पे ज़्यादा और किसी पे कम। किस पे कम और किस पे ज़्यादा, इसकी जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं। जिन लोगों का जन्म मंगलवार को हुआ है उनका चेहरा कुछ लाल और चेहरा थोड़ा लंबा होगा, चेहरे पे गजब का तेज होगा, ऐसे जातक स्वभाव से जिद्दी, स्वतंत्र विचारों वाले, स्पष्ट वक्ता यानी मुंहफट होते हैं, आवाज में गजब का रुबेलापन, रोप तेज होगा, क्षण में प्रसन्न, क्षण में नाराज,
इनका स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्तियों का कद लंबा ना होकर सामान्य होता है। आंखें चमक लिए हुए चंचल होती हैं, दांत चमकदार और मजबूत होते हैं। जोखिम और मुश्किल काम करने में यह आगे रहते हैं और जोखिम के कार्य करने में यह अपनी शान समझते हैं। कला हो, काव्य हो, ज्ञान हो, विज्ञान हो, इनमें इनकी विशेष रुचि होती है। व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना तथा बाल की खाल बात बात में निकालना इनकी प्रवृत्ति होती है। हंसने में कंजूस होते हैं, केवल मुस्कुरा करके अपना काम चला लेते हैं। बुद्धि और विवेक का उपयोग शारीरिक बल के अपेक्षा कम करते हैं। दूसरों पर विश्वास न करना इनकी आदत होती है। धर्म कर्म में उतनी ही रुचि लेते हैं जितना इनको कहा जाता है या दबाव के कारण कर लेते हैं। अगर इनकी कुंडली में मंगल शुभ और बलि होता है तो ऐसे जातक अपने शत्रु पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये जातक सेना हो, पुलिस हो, उच्च अधिकारी बनते हैं अगर कुंडली में मंगल शुभ और बलि है, या उन स्थानों में जहां साहस और उत्साह का सामंजस्य हो वहां वो अपना कैरियर बनाते हैं। और जब तक वो उच्च शिखर पर ना पहुंच पाए संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। मेरे श्रोता भाई बहन, यदि कुंडली में मंगल अशुभ होगा तो ऐसे व्यक्तियों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, झगड़ालू स्वभाव के हो जाते हैं, रक्त यानी ब्लड संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है और सिर में चोट लगने की भी संभावना होती है। अग्नि और दुर्घटना, सड़क दुर्घटना या किसी प्रकार की दुर्घटना जिसमें चोट चपेट और रक्त निकले, इसकी भी संभावना होती है यदि कुंडली में मंगल अशुभ हो। वैवाहिक जीवन भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि मंगल खराब होने की वजह से इनका अपने पे नियंत्रण नहीं हो पाता। स्वास्थ्य को लेकर इनके जीवन का पहला, दूसरा एवं तीसरा साल अरिष्टकर होता है, अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब प्रमुख प्रश्न यह है कि मंगलवार को जन्मे जातक के स्वभाव, गुण, अवगुण इत्यादि के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है, क्या वो प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है जिसका जन्म मंगलवार को हुआ है? तो उत्तर है नहीं, सब पर एक समान नहीं लागू होती है, किसी पे ज़्यादा तो किसी पे कम। अब किस पर ज़्यादा और किस पर कम लागू होगी, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और ये भी बताएंगे कि जो जातक मंगलवार को जन्मे हैं, यानी जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, उनके लिए शुभ दिन, शुभ वार कौन सा होगा, कौन से वर्ष शुभकारी होंगे, कौन सी दिशा शुभ होगी और कौन से रंग शुभ होंगे। मित्रों, जिन जातकों का जन्म मंगलवार को हुआ है उनका मूलांक 9 यानी 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख में जन्म हुआ हो तो जो मंगल का प्रभाव बताया गया है वो ज़्यादा होगा। इसी तरह जिस जातक का जन्म मंगलवार को भी हुआ हो, मूलांक भी न हो और उनकी राशि लग्न मेष हो तो और गुण मिलेंगे जो मंगल से संबंधित बताए गए हैं। एक बात और, कुंडली में मंगल शुभ होगा तो ऊपर बताए गए हुए शुभ परिणाम ज़्यादा मिलेंगे और मंगल अशुभ हुआ तो अशुभ परिणाम की प्राप्ति होगी, वो चाहे रोग हो या परिस्थितियां हो। ऐसे जातक को किस भगवान के शरण में रहना चाहिए हम उसको बताएं उसके पहले, जो जातक मंगलवार को जन्म लिए हैं उनका शुभ रंग लाल एवं गुलाबी। शुभवार यानी शुभ दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। शुभ वर्ष 9वां, 10वां,
अट्ठारहवां, सत्ताईसवां, छत्तीसवां, चौवनवां, सड़सठवां एवं बहत्तरवां वर्ष शुभ होता है। उत्तर दिशा शुभ दिशा, और ऐसे जातकों को हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए, हर तरफ से कल्याण होगा। मित्रों, इस आशा के साथ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने स्वजनों एवं मित्रजनों को ये वीडियो शेयर कर देंगे, आप सभी को मेरा जय श्री। घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454622।